सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपने YouTube चैनल को, प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को जिससे हमारे आने वाले हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जवाब एजुकेशन में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सैनिक स्कूल क्लासेस जो कि बौद्धिक परीक्षा, क्योंकि 50 अंक के आते हैं परीक्षा में, तो इससे रिलेटेड वीडियो रहेगा। तो आगे वीडियो स्टार्ट करने पहले बता देंगे, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें कि जिससे वीडियो अपलोड करके नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है जो आपकी बौद्धिक परीक्षा आसानी से आप समझ जाएंगे कैसे करना रहता है। उस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में छुट्टी हुई संख्या को ढूंढिए। तुम्हें छुट्टी संख्या को ढूंढना है जो कि आपका क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पहले ऑप्शन में दिया हुआ 20, 30, 42, क्योंकि पहले क्वेश्चन पर 20 क्या है कि कितना बढ़ा, 10 यानी कि 30 हो गया। यहाँ पर दिया हुआ 42 यानी कि कितना बढ़ा, 30 और 12 कितना 42। अब हमें यहाँ पर आगे का एक अंक यहाँ पर ढूंढना कि अंक यहाँ पर क्या रहेगा। तो पहले अंक पर 10 बढ़ा, दूसरे पर 12 बढ़ा, तो तीसरे क्या बढ़ेगा, 14 बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर 56 रहेगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही है जो कि यहाँ पर 56 अंक रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विजय का जो संबंध प्रसन्नता से है वही संबंध दुख का किससे होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझने की बात है, विजय का जो संबंध प्रसन्नता से है वही संबंध दुख का किससे होगा। तो आपका ऑप्शन ली ये है पराजय, ऑप्शन बी अवसाद, ऑप्शन सी अकेलापन, ऑप्शन डी रोना। तो विजय का संबंध प्रसन्नता से है तो वही संबंध दुख का कैसे होगा। तो आपका ऑप्शन ये होना चाहिए पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में छुट्टी संख्या को ढूंढिए जिसका 289 से वही संबंध जो 13 का 169 से है। क्वेश्चन बार फिर समझ लीजिए, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में छुट्टी हुई संख्या को ढूंढिए जिसका 289 से वही संबंध जो 13 का 169 से है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए, 169, 13, 289, चौथे पर हमें संख्या ढूंढना है। तो 169 का वर्ग कितना होगा, 13 × 13 169 हो जाएगा, यहाँ पर 289 दिया हुआ, तो हमें यहाँ पर अंक ढूंढना है। तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन है 19, दूसरा 17, तीसरा 27, चौथा 23। तो हम 17 को 17 से गुणे यानी 17 का वर्ग हो जाएगा 17 स्क्वायर, तो 289 हो जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर ऑप्शन बी सही है, यही उत्तर हो जाएगा 17। अगर ट्रेन को WDLQ लिखा जाता है तब बस कैसे लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन ये XU, ऑप्शन बी DW, ऑप्शन सी EXV, ऑप्शन डी BXE। तुम्हारा आंसर आप यही हो जाएगा सी ऑप्शन डी EXV। प्रवाह का जो संबंध नदी से है वही संबंध स्थिर का किससे होगा, जबकि ऑप्शन ए पुल, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी नहर। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रवाह का जो संबंध नदी से है वही संबंध स्थिर का किससे होगा, यानी कि प्रवाह का जो संबंध नदी से है वही संबंध स्थिर से किससे होगा। ये हमें ऑप्शन ली छाटना है आंसर, तो आपका आंसर ये हो जाएगा पुल, क्योंकि स्थिर से संबंध पुल होगा, यही उत्तर हो जाएगा। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए सीढ़ी, ऑप्शन बी बलदार सीढ़ी, ऑप्शन सी पुल, ऑप्शन डी चलती सीढ़ी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा क्योंकि इस ऑप्शन से मेल नहीं खाता है। तो आपका आंसर सी ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी पुल यही उत्तर हो जाएगा। अगर दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाया जाए तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान का पर आएगा, जो कि ऑप्शन ए प्लेन, ऑप्शन बी
प्लेन, ऑप्शन सी प्लेंटी, ऑप्शन डी प्लेनर। अगर दिए गए शब्दों को वर्णमाल के क्रम में अनुसार लगाया जाए तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? तो आपका आंसर ये यही सही हो जाएगा, प्लान, यह आपका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द को पानी में देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में किसके समान दिखाई देगा? जो कि यहाँ पर फॉर्म दिया गया है A1M3B, जो कि यहाँ पर उल्टा दिखाया गया है लेटर। तो इसे जो मैं लगा ये ऑप्शन सी यही सही होगा, आपका आंसर सी ऑप्शन ली सही हो जाएगा। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है, का ऑप्शन ऑप्शन ए आंखें, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन डी हाथ, ऑप्शन डी दुपट्टा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर, यानी कि दुपट्टा। ये जो कि शरीर से मेल नहीं करता यानी दुपट्टा, ये हो जाएगा अलग है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प को चुने जो नीचे दिए गए संख्या संकलों को पूर्ण करे, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो हमें पर नेक्स्ट लेटर को निकालना कि नेक्स्ट क्या होगा। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 21, जो कि आपका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए 17, आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में से कौन सा चित्र देश नेपाल तथा भारत के संबंध को उत्तम रूप से दर्शाता है? तो यहाँ पर इस तरह से चित्र दर्शाया गया है, क्योंकि फोर्थ चित्र दर्शाया गया है, आपका ऑप्शन ली वन से, जो कि भारत के बगल में नेपाल है, जो कि इस तरह से चित्र दिखाया गया है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लोगों को समझ आए तो हमसे कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सिंगिंग स्कूल तैयारी के लिए मिलता रहेगा वीडियो। उस विकल्प को चुनिए जो नीचे दी गई संख्या श्रृंखलाओं को पूर्ण करे, जो कि यहाँ पर देगा 5, 11, 19, 29, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क है, जो कि हमें संख्या निकालना है, पर 55 है। तो ऑप्शन लिए यहाँ पर दे गया है 39, 41, 37, 43। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन बी 41, जो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली का जो संबंध गलफड़ा से है वही संबंध मनुष्य का किससे होगा? क्योंकि ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी नाक। जो कि हमें यहाँ पर जो मनुष्य संबंध है वहीं पर हमें बताना है, जो हो जाएगा फेफड़े। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों ए बी सी डी तथा सी डी में से कौन से एकरती चार में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी पे है, यहाँ पर चित्र कौन सा है इसमें में से अगर वहाँ पर करना है, तो चलिए ऑप्शन चित्र अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जो कि उस चित्र आपका ऑप्शन ये यही सही हो जाएगा, जो कि ये चित्र कर यहाँ पर हो जाएगा, आप यही उत्तर हो जाएगा। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है, ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी सितारे, ऑप्शन डी उपग्रह। तो आपका आप आंसर सी ऑप्शन ली सही हो जाएगा, सितारे आपका ही मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माया ऋचा की दादी के भाई की इकलौती बेटी है तो माया की बेटी को ऋचा से क्या रिश्ता है? क्वेश्चन बार फिर समझ लीजिए, यदि माया ऋचा की दादी के भाई की इकलौती बेटी है तो माया की बेटी की ऋचा से क्या संबंध है? लोग क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, जो कि आपका आंसर बी आ जाएगा, कजिन, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर एक बेंच पर ओ पी क्यू आर एस ओ टी अपने कद की लंबाई के अनुसार खड़े हैं, पी ओ से लंबा है पर एस से छोटा है, सिर्फ यश टी से लंबा है, आर पी से छोटा है पर क्यू से लंबा है, तो सबसे छोटा कद किसका है? तो हमें ये निकालना है कि ऑप्शन ए वो, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी कह नहीं सकते। तो हमें इसका आंसर निकालना इतना आसान नहीं कि कौन सा, यानी आपका ऑप्शन डी यही आपका आंसर हो जाएगा कि कह नहीं सकते। यदि प्लस को भागे गुणे को माइनस, प्लस को प्लस माइनस को गुणे लिखा जाए तब नीचे दिए गए समीकरण का उत्तर क्या होगा, जो कि यहाँ पर समझा दिया गया है। 16/8 गुणे 6 माइनस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारा आंसर ये ऑप्शन ए पर देगा है, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 20। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 23, जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपका उत्तर यही 23 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा है क्वेश्चन नंबर 19 पर, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं गिनिए, पर कितने त्रिकोण हैं यहाँ पर गिनना है। तो ऑप्शन ए पर 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन 19 दिया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 18, क्योंकि 18 त्रिकोण दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कुत्ते का जो संबंध रेबीज से है वही संबंध मच्छर का किससे होगा, कुत्ते का जो संबंध रेबीज से है वही संबंध मच्छर का किससे होगा। ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन बी मृत, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी डंक मारना। तो हमारा वो लोगों का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, क्योंकि मच्छर काटने से मलेरिया होता है, कुत्ते का करने से रेबीज होता है, ऑप्शन सी यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर घड़ी में 3 बजे हैं और उसको हम 10 अंश इस तरह घुमाएं कि मिनट हैंड की सुई उत्तरी पूर्व दिशा की ओर हो तो घंटा हैंड की सुई किस दिशा में होगी, जो कि ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व, क्योंकि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम का जो संबंध घृणा से है वही संबंध मित्र का किससे होगा, क्योंकि ऑप्शन ए विश्वास, ऑप्शन बी साथी, ऑप्शन सी शत्रु, ऑप्शन डी इच्छा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शत्रु। नेक्स्ट, दी गई संख्या श्रृंखला को यदि दर्पण में देखें तो दिए गए विकल्पों में से किसके समान होगी, एन एस 4 3 क्यू 12। तो यहाँ पर इसके समान पर होगी, हमें यहाँ पर उत्तर बताना है। कि आपका आंसर हो जाएगा बी, जो कि इस क्वेश्चन से आप देखेंगे तो वही मिलेगा, उल्टा यहाँ पर जो शब्द है। नेक्स्ट, यदि ए और बी विवाहित दंपत हैं, एक्स और वाई भाई हैं एवं एक्स का ए भाई है तो वाई का बी से क्या संबंध है, जो कि इस तरह से क्वेश्चन लोगों को दिमाग लगाकर लगाना है कि कौन सा किसके संबंध में होगा। ऑप्शन ये आपका ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी कजिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर फिर समझ लीजिए, यदि ए और बी विवाहित दंपति एक्स और वाई भाई हैं एवं एक्स का ये भाई है तो वाई का बी से क्या संबंध है, तो हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, क्योंकि ऑप्शन ये सही है उत्तर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यदि प्लस को माइनस, माइनस को गुणे, गुणे को प्लस और प्लस को प्लस लिखा जाए तब नीचे दी गई समीकरण का उत्तर क्या होगा, क्योंकि देगा 15/5 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 3। यहाँ पर हमें यहाँ पर अंक लाना कि कौन सा अंक यहाँ पर रहेगा। क्योंकि ऑप्शन ए 9.5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -0, माइनस डी 24।
जो कि आपका ऑप्शन ले हो जाएगा -2। ऑप्शन सी यही आपका सही हो जाएगा। तो बस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैथ क्वेश्चन लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट।